बड़ी खबर रोमानिया से आ रही है, जहां पर रोमानिया की सेना का युद्धाभ्यास जारी है। टैंक और आर्म्ड व्हीकल से गोलीबारी का अभ्यास करते हुए वीडियो जारी किया गया। रोमानिया की सीमा पर सेना ने भारी तैनाती कर रखी है। अगली बड़ी खबर, बेलगोरोद में एयरबेस बना रहा है रशिया। यूक्रेन से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर यह निर्माण किया जा रहा है। 1800 मीटर लंबी हवाई पट्टी का भी रशिया निर्माण कर रहा है। बड़े बॉम्बर जेट्स को उतारने के लिए यह पूरी हवाई पट्टी बेलगोरोद में बनाई जा रही है। टारगेट फिक्स हो चुका है, बस ट्रिगर दबाने की देरी है। पूरे यूरोप में ऐसा विध्वंस मचेगा जिसपे नाटो का अंत तय माना जा रहा है। पुतिन ने इसी मंसूबे से एटमी ब्लूप्रिंट बनाया है, जिसमें 4 देशों में तबाही फैलाने का पूरा इरादा तय कर रखा गया है। इसके लिए परमाणु ठिकानों को वॉर रेडी मोड में रख दिया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि अगर रशिया और बेलारूस के खिलाफ नाटो ने कोई षड्यंत्र रचा तो परमाणु विकल्प आजमाने में देरी नहीं होगी। यानी यूरोप में परमाणु तबाही बस एक कदम दूर है। अब सवाल यह उठ रहा है कि वो विध्वंसकारी कदम कौन आगे बढ़ाता है, रशिया या फिर नाटो। बस एक कदम और यूरोप में परमाणु विस्फोट। अब सवाल उठ रहा है कि इतना विध्वंसकारी कदम कौन उठा सकता है। इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन या फिर जो बाइडेन। दोनों की तैयारी इस कदर है कि अगर युद्ध में परमाणु बम का विकल्प आया तो मिनटों में तबाही मचाई जा सकती है। इसके लिए टारगेट तय हो चुके हैं, बस ट्रिगर दबना बाकी है। और ट्रिगर का काम कर रही है नेटो की वॉर ड्रिल। जो एकदम सवाल की कॉरिडोर के पास हो रही है, जिसमें बाल्टिक देशों के अलावा पोलैंड की सेना भी शामिल है। युद्धाभ्यास सुवालकी के पास होने से बेलारूस भड़का हुआ है। बेलारूस के भड़कने का मतलब है रूस की नाटो से युद्ध की शुरुआत। पोलैंड में परमाणु बेस बनाकर अमेरिका पहले ही तैयारी कर चुका है। यानी रूस ने जैसे ही मिसाइल दागी, अमेरिका पोलैंड में अपने एटमी बेस को वॉर रेडी कर देगा। रूस के इरादे कितने खौफनाक हैं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में ये सामने आया है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी और अमेरिकी सेना के पूर्व एडमिरल माइक हेविट ने कहा है कि पुतिन नाटो के लिए खतरा है और वो परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। पुतिन के टारगेट पर नेटो देश हैं, ये तो साफ है कि यूक्रेन और नॉर्डिक देशों के रुख से पुतिन थमथमाए हुए हैं। लेकिन रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। पुतिन रूस के विस्तार को बाल्टिक की तरफ बढ़ाने वाले हैं। एक बार ये हो जाएगा तो फिर नेटो में जाने वाले स्वीडन और फिनलैंड पर हमले की तैयारी की जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट में और कुछ क्या है ये समझिए। पुतिन ने क्रेमलिन में सीक्रेट मीटिंग की, जिसके बाद नेटो को परमाणु हमले की धमकी दी। पूर्व एडमिरल माइक हेविट के मुताबिक इस महीने ही यूक्रेन का सरेंडर कराया जा सकता है, जिससे पुतिन यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। और ऐसा अगले 7 दिनों में हो सकता है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर यूक्रेन को अमेरिका से पहली खेप मिल जाएगी, जिसके बाद यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 आगे बढ़ाएगा।
हो सकता है वो क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा करे। अमेरिका ने हथियारों से पहले सैनिक और कुछ अधिकारी यूक्रेन भेज दिए। बताया जा रहा है कि पश्चिमी यूक्रेन में रहकर क्रीमिया पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही। 61 बिलियन डॉलर का पैकेज देकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो यूक्रेन मोर्चे पर गंभीर है। वो किसी भी कीमत में यूक्रेन को पुतिन की यूरोप विजय का गेटवे नहीं बनने देगा। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक अगर अमेरिकी सैनिकों ने हथियार मिलने से पहले ही हमले शुरू कर दिए तो रूस को नेटो देशों पर हमले का मौका मिल जाएगा। इसलिए अमेरिकी सेना तभी तक खामोश है जब तक यूक्रेन में हथियार नहीं पहुंच जाते। वेस्ट बैंक इसलिए चुना है कि वहां से बाल्टिक देशों और पोलैंड की सुरक्षा भी की जा सकती है, क्योंकि ये चारों देश ही यूक्रेन के बाद रूस के अगले टारगेट हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से देश हैं जहां पर रशिया सबसे पहले एटमी हमला कर सकता है। सबसे पहला नाम है पोलैंड का, जिसके रूस के आर्कटिक बेस कोला से दूरी लगभग 1980 किलोमीटर है। इसके बाद 1526 किलोमीटर दूर बाल्टिक देश लिथुआनिया पर कोला एटमी बेस से मिसाइल दाग सकता है। फिर 1333 किलोमीटर दूर लातविया पर भी परमाणु हमला कोला बेस से किया जा सकता है। इसके बाद एस्टोनिया का नंबर है, जो कि आर्कटिक से लगभग 1152 किलोमीटर दूर है। इसी तरह बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों से भी हमला किया जा सकता है, जिसमें 731 किलोमीटर दूर पोलैंड पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह से 203 किलोमीटर दूर लिथुआनिया बेलारूस के एटमी बेस के टारगेट पर मौजूद है, जबकि 385 किलोमीटर दूर लातविया भी परमाणु हमले की जद में है। 591 किलोमीटर दूर एस्टोनिया में भी बेलारूस से परमाणु मिसाइल छोड़कर तबाही मचाई जा सकती है। सिर्फ पेंटागन की रिपोर्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञ ये मान चुके हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध नेटो वर्सेस रूस में बदल चुका है, जिसमें पुतिन के पास परमाणु बम के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। खास बात यह है कि रूस पहले टैक्टिकल परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा, उसके बाद जरूरत पड़ी तो ICBM के जरिए नेटो के शक्तिशाली देशों पर हमला कर सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल के दौरान भारत, फिलीपींस, मिस्र और जाम्बिया में रह चुके अमेरिका के पूर्व राजदूत फ्रैंक विस्नर भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। पुतिन की बदली रणनीति से सबसे ज्यादा घबराहट बाल्टिक देशों और पोलैंड को है, क्योंकि ये देश तीन तरफ से एटमी बेस से घिर गए हैं। कैलिनिनग्राद बेस, बेलारूस एटमी बेस और रूस एटमी बेस। इसके अलावा रूस ने बाल्टिक देशों के पास समंदर में युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी है, यानी बाल्टिक देश और पोलैंड कहीं से भी नहीं बच सकते। ठीक यूक्रेन वाला हाल है। यही वजह है कि रूस को ताकत दिखाने के लिए नेटो सेना सुवाल्की गैप के पास युद्धाभ्यास कर रही है। जिसमें बाल्टिक देश और पोलैंड की सेना है और इन्हीं देशों के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पोलैंड के प्रेसिडेंट एंड्रेस ड्यूडा ने कहा है, पोलैंड पर किसी भी तरह का हमला परमाणु युद्ध का ट्रिगर होगा। हमारे पास परमाणु हथियार हैं जिसे हमने बॉर्डर पर लगा दिया है, और हमारा बॉर्डर अब नेटो बॉर्डर है, यानी युद्ध की स्थिति में पोलैंड नहीं बल्कि नेटो युद्ध लड़ेगा।
इस बीच रूस के सामने एक बड़ी परेशानी है कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और यूक्रेन पर हमले से रूस की ताकत घट रही है। ऐसे में अमेरिका से यूक्रेन को हथियार मिल गए तो रूस के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। और पुतिन ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, फिर चाहे पूरे यूरोप में परमाणु विस्फोट ही क्यों ना करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9, भारतवर्ष। युद्ध में भस्म हो रहे हर हथियार के साथ ही रूस या नाटो के लाखों डॉलर भी राख हो रहे हैं। दो साल से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों ने अपना खूब खून बहाया, तो वहीं अमेरिका और नाटो के दूसरे देशों ने हथियार देकर भारी भरकम खर्च किया। अब अमेरिका ऐसा रास्ता तलाश रहा है जिससे यूक्रेन को हथियार भी मिल सके और नाटो को बहुत ज्यादा खर्च भी ना उठाना पड़े। इसी किफायती वाले प्लान के तहत अमेरिका दुनिया से पुराने हथियारों को जमा कर रहा है ताकि उन्हें यूक्रेन पहुंचाया जा सके। यूक्रेन के एयरबेस पर फाइटर जेट्स और बॉम्बर की लाइन लगने वाली है। इतने बॉम्बर, इतने फाइटर जेट के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर 15 मिनट के भीतर 50 से ज्यादा विमान टेक ऑफ करेंगे। यकीनन ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यूक्रेन इस वक्त चंद F-16 के आने का ही इंतजार कर रहा है। यूक्रेन में नेटो देशों से कितने फाइटर जेट आने वाले हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अमेरिका और कजाकिस्तान के बीच हुई एक डील से तो ऐसा ही लग रहा है कि यूक्रेन में दर्जनों लड़ाकू विमानों की लैंडिंग होने वाली है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कजाकिस्तान से एक डील की जिसके तहत अमेरिका कजाकिस्तान से कई फाइटर जेट खरीदने वाला है। अमेरिका कजाकिस्तान से बॉम्बर भी खरीद रहा है। डील के लिए विमानों की कीमत भी तय हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका जैसा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा हथियार विक्रेता है, जिसके फाइटर जेट की डिमांड पूरी दुनिया में है, वो भला कजाकिस्तान जैसे छोटे से देश से बॉम्बर और फाइटर क्यों खरीद रहा है। माना जा रहा है कि कजाकिस्तान के विमानों को अमेरिका यूक्रेन को शिफ्ट करने वाला है। डील के मुताबिक कजाकिस्तान के रिटायर्ड विमान अमेरिका खरीदेगा, यानी कजाकिस्तान वायुसेना से जिन विमानों को हटाया जाएगा वो अमेरिका चले जाएंगे। अमेरिका उन विमानों की मरम्मत करने के साथ उन्हें आधुनिक बनाएगा, यानी यूक्रेन के पास वैसे विमान पहुंचने वाले हैं जिन्हें कजाकिस्तान अब इस्तेमाल के लायक नहीं समझता। ज़ेलेंस्की की सेना उन्हीं विमानों से रूस जैसे शक्तिशाली देश से भिड़ेगी। यूक्रेन की वायुसेना उन विमानों को उड़ाएगी जिसे कजाकिस्तान अब बेहद पुराना और युद्ध के लिए बेहद कमजोर मान रहा है। अमेरिका ही नहीं, कई और देश अब यूक्रेन में हथियार की सप्लाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। स्पेन, फ्रांस जैसे देश भी अपने रिटायर्ड हथियारों को यूक्रेन में खपाने वाले हैं। यानी एक तरह से यूक्रेन को ताकत के नाम पर बेहद पुराने हथियार दिए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से विमान और हथियार यूक्रेन आ रहे हैं।
कजाकिस्तान से अमेरिका सोवियत कॉल के पुराने विमान खरीद रहा है। इसमें मिग 31 इंटरसेप्टर विमान शामिल है। इसके अलावा कई मिग 27 बॉम्बर्स भी खरीदे जाएंगे। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। कजाकिस्तान से मिग 29 फाइटर जेट के अलावा सुखोई 24 बॉम्बर खरीदने की भी डील हुई है। कुल मिलाकर बात करें तो अमेरिका 81 विमानों को खरीद रहा है। स्पेन भी यूक्रेन को कबाड़ हो रहे हथियार देने वाला है। स्पेन से 50 पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई भी की जाएगी, लेकिन नया वर्जन नहीं बल्कि पुरानी मिसाइलें इसमें शामिल होंगी। स्पेन यूक्रेन को नए संस्करण की मिसाइल फिलहाल नहीं देने जा रहा है। वहीं फ्रांस ने AMC-10RC बख्तरबंद की सप्लाई होने की खबर है। ये वाहन कुछ दिन पहले फ्रांस की सेना से रिटायर किए गए हैं। 1980 में बने लड़ाकू विमानों को अंतिम बार साल 2000 में अपग्रेड किया गया था। एक तरफ रूस नॉर्थ कोरिया और ईरान के आधुनिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और उसके सहयोगी पुराने हथियार भेज रहे हैं। हालांकि पुराने हथियारों को लेकर अमेरिका का तर्क अलग है। अमेरिका को लग रहा है कि यूक्रेन के सैनिक सोवियत काल के हथियारों से बेहतर लड़ सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन की सेना सोवियत काल के विमानों को उड़ाने में माहिर है। सेना की ट्रेनिंग ऐसे ही विमानों पर हुई है। यूक्रेनी पायलट को अलग से ट्रेनिंग नहीं देनी होगी। सोवियत काल के विमानों से यूक्रेनी बेहतर प्रहार करेंगे। अमेरिका के पास हथियारों का बहुत बड़ा भंडार है और युद्ध की शुरुआत में आधुनिक हथियारों की सप्लाई की वजह से ही रूस को यूक्रेन में बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकी थी। यूक्रेन हमेशा से रूस से मुकाबले के लिए आधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। यूक्रेन के पास सोवियत काल के कई टैंक हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की डिमांड पर ही चैलेंजर 2 और लेपर्ड टैंक की सप्लाई की गई। पैट्रियट भी अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अब पैट्रियट के लिए मिसाइलों की जरूरत है। अमेरिका मिसाइलों की सप्लाई नहीं कर रहा है। जो मिसाइल आएंगी वो पुराने वर्जन की हो सकती है। यूक्रेन में हथियारों की इतनी भारी कमी है, यही वजह है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं से कुछ भी सही को बेहतर मान रहे हैं। ज़ेलेंस्की खुद कई बार नेटो देशों से उनके पुराने हथियारों की डिमांड कर चुके हैं। पोलैंड की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। पोलैंड कोरिया से काई FF-50GF लाइट फाइटर जेट खरीदेगा। पोलैंड में रिटायर होने के बाद मिग 29 विमानों को यूक्रेन भेजा जा सकता है। साल 2023 से ही यूक्रेन जर्मनी से कई फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश में है, क्योंकि जर्मनी की वायुसेना भी खुद को अपग्रेड कर रही है। जर्मनी की वायुसेना कई बरसों से टॉर्नेडो फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन अब जर्मनी अमेरिका से F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट खरीद रहा है। F-35 के आते ही जर्मनी के 93 टॉर्नेडो फाइटर जेट हैंगर्स में बेकार खड़े रहेंगे। यूक्रेन चाहता है कि सभी विमान यूक्रेन भेज दिए जाए। 2 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध की वजह से नेटो का स्टॉक बहुत कम हो चुका है। हथियारों की सप्लाई के लिए प्रोडक्शन में तेजी की जरूरत है। नेटो के ज्यादातर देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। नेटो देशों को लग रहा है कि अब रूस यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है, जिसकी वजह से हथियार सप्लाई करने वाले देश खुद अपनी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हैं, और इसी वजह से तमाम देश अपने हथियारों का स्टॉक बढ़ा रहे हैं और यूक्रेन को तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। अब यूक्रेनी फौज के लिए पुराने और कमजोर हथियारों से लड़ना मजबूरी बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूक्रेन के MI-24 हेलीकॉप्टर ने जबरदस्त हमला किया है। रूसी ठिकाने पर बरसी है अनगाइडेड मिसाइलें। हमले में रूस के सैन्य मोर्चे पे भारी तबाही होने की खबर है और ये वीडियो उस खबर की तस्दीक करता है। किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और इस हमले में कितनी बड़ी तबाही हुई है, ये उसी हेलीकॉप्टर की तस्वीरें हैं जिससे इस हमले को अंजाम दिया गया है और निशानों को चुन चुन कर सैन्य मोर्चे को हमला किया गया है। F-16 फाइटर के लिए यूक्रेन ने अब बंकर बना दिया है। अंडरग्राउंड ठिकानों में रखे जाएंगे फाइटर जेट्स। रूस की मिसाइलों से अपने विमानों को बचाने के लिए ये तमाम इंतजाम अब यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। जमीन के नीचे विमान के लिए हैंगर बनाया गया है। तो यूक्रेन युद्ध में फ्रंट लाइन पर रण इतना प्रचंड हो गया है कि यूक्रेन किसी भी वक्त आत्मसमर्पण कर सकता है। अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को बारूद की बड़ी खेप भेज दी है। यूक्रेन को एक दर्जन किस्म के हथियार दे दिए गए हैं। इसमें 80 ACMS मिसाइलें भी शामिल हैं। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना युद्ध में वापसी नहीं कर पा रही है। सवाल यही है कि आखिर जेलेंस्की की सेना हथियार मिलने के बाद भी मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है, वो फ्रंटलाइन से पीछे हटने को क्यों मजबूर है। पुतिन सेना जिस तरह से कहर ढा रही है उससे यूक्रेनी फोर्स की कमर टूटती जा रही है। रूसी वज्रपात की वजह से जेलेंस्की और उनकी सेना पराजय के द्वार पर पहुंच गई है। चौबीस घंटे के अंदर रूसी सेना ने जिस तरह से भीषण प्रहार किया है उससे यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो गई है। भीषण विस्फोट करते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कायम कर लिया है। रूसी फौज इतना खतरनाक हमला कर रही है कि यूक्रेन उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। जान बचाने के लिए यूक्रेनी सेना कई मोर्चों को छोड़कर पीछे भाग गई। युद्ध के मैदान में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले महीने यानी कि मई में रूसी सेना के सामने यूक्रेन हथियार डाल सकता है। अमेरिका से हथियारों की नई खेप मिलने के बाद भी यूक्रेन ईस्टर्न फ्रंट पर बहुत कमजोर पड़ गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। यूक्रेनी सेना अध्यक्ष ओलेक्जेंडर सारेस्की ने कहा है कि फ्रंट लाइन पर हालात बहुत बदतर हो गए हैं। रूसी सेना को कई मोर्चों पर बढ़त हासिल हो गई है। यूक्रेन को हथियार तो मिल गए लेकिन इन हथियारों को चलाने वाले सैनिक नहीं हैं। यूक्रेन के पास जंग लड़ने वाले जांबाजों की कमी हो गई है। सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए जेलेंस्की कंस्क्रिप्शन यानी जबरन भर्ती अभियान चला रहे हैं। लेकिन यूक्रेन के लोग सेना में शामिल होकर जंग लड़ने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की के इस कदम से पूरे यूक्रेन में गुस्सा है। यूक्रेन की इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है रूसी सेना। ये
ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी सेना विध्वंसक हमले कर यूक्रेनी शहरों और गांवों पर कब्जा करती जा रही है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर रूस का कब्जा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना डोनेस्क पर पूरी तरह कब्जा करने के करीब पहुंच चुकी है। डोनेस्क के ज्यादातर हिस्सों पर अब रूस का कब्जा हो गया है। 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने डोनेस्क के चार इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पहले इलाके का नाम है नोवो। ये डोनेस्क में यूक्रेन का एक गांव है। इस पर रूसी सेना ने अपना परचम फहरा दिया है। डोनेस्क में ही बर्दिची, सेमनेविका और नोवो नाम के तीन और गांव हैं। यहां भी रूस ने विध्वंसक हमला किया तो यूक्रेनी फोर्स फ्रंटलाइन छोड़कर पीछे भाग गई है। डोनेस्क के प्रोकोवस्की और कुराखोवस्की इलाके में रूस भीषण हमला कर रहा है। यहां यूक्रेनी सेना की कमर टूट चुकी है। अगले कुछ घंटे में यहां यूक्रेन की हार तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की हालत क्यों खराब हो गई है। दरअसल यूक्रेन के पास अब सैनिकों की भारी किल्लत हो गई है। लंबे युद्ध की वजह से यूक्रेनी सैनिक अब थक चुके हैं। हथियारों की कमी की वजह से जंग लड़ रहे सैनिकों का मनोबल तक गिर चुका है। यही वजह है कि वो मोर्चा छोड़कर भाग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध के मैदान में अब यूक्रेन के सरेंडर की शुरुआत हो चुकी है। हथियार मिलने के बावजूद यूक्रेनी सेना पहले से कहीं ज्यादा कमजोर पड़ गई है। इसका फायदा उठाते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने 24 घंटे के अंदर एक दर्जन जगहों पर इस्कंदर मिसाइलों से विस्फोट किया। रूस ने निप्रो में यूक्रेन के कामिंका बेस पर इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। यहां पर यूक्रेन का कामिकाजे ड्रोन बेस है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में ड्रोन बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के चेरनी गोव और खमेलनित्स्की में रूस ने उन दो बेस पर हमले किए जहां से यूक्रेन विदेशी लड़ाकों को डिप्लॉय करता है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन को एनर्जी सप्लाई करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने 34 रॉकेट फायर कर धावा बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेनी धरती पर 35 प्रिसिशन गाइडेड हमले किए जिससे यूक्रेनी सेना बुरी तरह दहल गई। एक दिन के अंदर रूस के विध्वंसक हमले से कीव में हड़कंप मच गया। रूस ने डोनेस्क में भीषण हमला कर यूक्रेनी सेना के फायरिंग पोजीशन को तबाह कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर 22 ड्रोन दागे। यूक्रेन के 16 सैनिक मारे गए। निकोलेव में रूस ने यूक्रेन के लिए जंग लड़ रहे 14 विदेशी लड़ाकों को खत्म कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ड्रोन हमला कर जर्मन मार्डर फाइटिंग व्हीकल की कब्र खोद दी। दक्षिण डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के कमांड पोस्ट पर रॉकेट की बरसात की। खार्किव में रूस ने उस रेल लाइन को उड़ा दिया जिससे यूक्रेनी सेना को रसद सप्लाई की जाती थी। सूमी के 10 इलाकों में रूस ने 35 बार हमले किए। इस दौरान 127 धमाके हुए। डोनेस्क में रूसी हमले में यूक्रेन के 360 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में 85 यूक्रेनी जवान खत्म हो गए। यहां यूक्रेन का हथियार डिपो भी भस्म हो गया। नीपर में यूक्रेन के 50 सैनिक और हथियारों का खात्मा हो गया। रूस को अवदीपका में भी बड़ी कामयाबी मिली है। रूस ने नोवो कलिनोवो नाम के इलाके पर रूसी झंडा फहरा दिया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक अवदीपका अब पूरी तरह रूस के कंट्रोल में आ चुका है। रूस ने यूक्रेन के मिलिट्री और एनर्जी ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से बमबारी की तो पोलैंड भी दहशत से भर गया।
पोलैंड को लगा कि रूस इस पर भी हमला कर सकता है। रूसी खतरे से बचने के लिए पोलैंड ने आसमान में अपने कई लड़ाकू विमानों को भेज दिया। ये फाइटर जेट पोलैंड के एयर स्पेस में रात भर उड़ान भरते रहे। पोलैंड इसलिए डरा हुआ है क्योंकि यूक्रेन विजय के बाद पुतिन के टारगेट पर पोलैंड ही है। यूक्रेन सरेंडर के पास पहुंच गया है, ऐसे में रूस अब ऑपरेशन पोलैंड लॉन्च कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और यूक्रेन के बाद अब खबर इजराइल से, जहां पर इजराइल ने न सिर्फ ऑपरेशन राफा को लॉन्च कर दिया है बल्कि उस प्लान को भी एक्टिवेट कर दिया है जिस पर नेतन्याहू की नजर काफी पहले से है। इजराइल और अमेरिका ने गाजा में मैरीटाइम बेस बनाना शुरू कर दिया है। युद्ध के बाद इससे 42,00,000 करोड़ रुपए का गैस और तेल निकालने का प्लान है। सवाल यही है कि क्या आखिर नेतन्याहू और बाइडेन का यह प्लान कैसे कामयाब होगा। अमेरिका के विरोध के बाद भी इसराइल का ऑपरेशन राफा शुरू हो गया है। IDF उस राफा पर बमबारी कर रही है जहां लाखों की आबादी रह रही है। इसराइल ने राफा में 3 घरों को तबाह किया। हमले में 15 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। राफा में हमला शुरू करने के साथ ही इसराइल और अमेरिका का गाजा मरीन प्लांट एक्टिव हो गया है। अमेरिका और इसराइल ने गाजा में मैरीटाइम बेस बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका और इसराइल का ये वही मैरीटाइम प्लान है जिसका खुलासा हमने सुपर प्राइम टाइम में 18 नवंबर 2023 को किया था। गाजा पट्टी के भूमध्य सागर से सटी हुई है। सागर तट से 36 किलोमीटर दूर गाजा मरीन ने नेचुरल गैस फील्ड है। ये सागर में 610 मीटर की गहराई में है। अनुमान है कि इस नेचुरल गैस फील्ड में 3200 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस हो सकती है, जो एक बड़ा प्राकृतिक संसाधन है और अभी तक यहाँ गैस फील्ड विकसित नहीं की गई है। 1999 की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआती खोज में ये भी पता लगा था कि इसी क्षेत्र में एक और छोटा गैस फील्ड भी है। इस छोटे क्षेत्र में 300 करोड़ क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस होने का अनुमान लगाया गया था। माना यह जा रहा है गाजा का नियंत्रण और उसकी शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेने के बाद इजराइल इसे नेचुरल गैस फील्ड को विकसित करेगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएगा और यहाँ से कर इसके संसाधन से अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। माना यह जा रहा है कि इसराइल इस नेचुरल गैस फील्ड को अपने कब्जे में लेकर भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर गैस निकालने का काम शुरू करेगा। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड 1999 में ब्रिटिश गैस कंपनी ने खोजा था। फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने ब्रिटिश गैस को गाजा मरीन विकसित करने के लिए 25 साल का लाइसेंस दे दिया। इसराइल ने इस सौदे पर अमेरिका के सामने एतराज जताया। इसराइल ने शर्त रखी कि गाजा मरीन से होने वाले फिलिस्तीनी अथॉरिटी के मुनाफे पर तेल अबीब का नियंत्रण होगा। इसराइल ने कहा है कि गाजा मरीन के मुनाफे को फिलिस्तीनी अथॉरिटी टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती है। गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड की खोज के बाद तब फिलिस्तीनी राष्ट्रपति यासर अराफात ने कहा था कि गाजा मरीन अल्लाह का तोहफा है, ये गैस फील्ड फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देगा। ये वही साल था जब फिलिस्तीनियों ने यरूशलम पर अपना कब्जा जमाने के लिए इसराइल पर हमला किया, जिसे दूसरा इंतिफादा कहा गया। लंबे चले संघर्ष के बाद गाजा मरीन नेचुरल गैस फील्ड डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन अब इसराइल और अमेरिका ने इस पर कंट्रोल करने की कवायद शुरू कर दी। ये मैरीटाइम बेस गाजा मरीन से करीब 42,00,000 करोड़ रुपए का गैस और तेल निकालने के लिए बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।